वन रैंक वन पेंशन में संशोधन को मंजूरी मिलने पर पूर्व सैनिकों ने सरकार की सराहना की है। वहीं पूर्व सैनिक समीरन सेन और सोमनाथ राय ने कहा है कि वन रैंक वन पेंशन को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का बहुत बहुत आभार। मैं वन रैंक वन पेंशन को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने 27 वर्षों तक भारतीय सेना में पूरे गर्व के साथ सेवा की है। मैं वन रैंक वन पेंशन को मंजूरी देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बड़ी गुड न्यूज भूतपूर्व सैनिकों के लिए, वन रैंक वन पेंशन का यहाँ पे लेटेस्ट निकल के आ गया। 9 जनवरी को हमारे माजी सैनिक सेवा फाउंडेशन ने बहुत ही बड़ी यहाँ पे बात कह दी है और बहुत बड़ा रिक्वेस्ट किया है प्रधानमंत्री से। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर लिखे, ये सीधा पीएमओ देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेजा गया है। सब्जेक्ट इसका देखेंगे तो अप्रूविंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ ओआरओपी फॉर वेटनर्स। यहाँ पे बहुत ही गुड न्यूज, अच्छी शानदार और लेटेस्ट अपडेट हमारे पास आ चुकी है। ये पूरा लेटर हम विस्तार से बताएंगे, उससे पहले आप सभी से बता दें जितने भी भूतपूर्व सैनिक देख रहे हैं वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट दी जाती है। भूतपूर्व सैनिक समाज जो भी है जिन्हें वन रैंक वन पेंशन का जो अभी तक एरियर नहीं मिल पाया उसके संदर्भ में, उससे रिलेटेड हमारे पास एक डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो कि पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेजा गया है, वो पूरा हम विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये डेट देख सकते हैं 9 जनवरी का है। रेफरेंस नंबर देख सकते हैं 2 नरेंद्र, यहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भेजा गया है, साउथ ब्लॉक देख सकते हैं। और आगे बता दें कि वन रैंक वन पेंशन पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है, रिस्पेक्टेड सर लिखे इन्होंने वन रैंक वन पेंशन से रिलेटेड क्या क्या बात कही है वो सारा कुछ मैं बताऊंगा। उससे पहले मैंने बता दिया आप सभी को कि जल्दी से जुड़ जाइए, सबसे पहले सभी पेंशन भोगी जुड़ जाइए, जुड़ गए होंगे। चलिए शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें उन्होंने थैंक यू किया है हमारे जो पहले थैंक यू किया कि जो DSW के द्वारा यह कैबिनेट अप्रूवल हुआ, आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आई थी जिसमें आप देख सकते हैं आई टेक दिस लिबर्टी इन राइटिंग टू यू इन बिहाफ। सबसे पहले उन्होंने वहां सबसे पहले मोटिवेशन और हाई मोटिवेशन हुआ हमारे सभी पेंशन भोगी का, थैंक यू किया कि हाँ आपने जो देते हुए धन्यवाद देख सकते हैं दे रहे हैं अप्रूविंग फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ ORP 2। सबसे पहले थैंक यू दिया किया उन्होंने और फिर बताया कि जो ये किया था इनके फाइनेंशियल गैप जो था उसको कम करने के लिए बहुत ही अच्छा ये कदम है और फ्रीज करने के लिए किया गया था। जैसे कि आपको पता ही होगा वन रैंक वन पेंशन का जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ एक्सरसाइज एंड वेलफेयर की तरफ से मेमोरेंडम जारी किया गया था, आपने सभी देखा भी था। हम आपको वर्तमान स्थिति के साथ हमेशा रूबरू कराते रहते हैं और आपका यही प्यार और संदेह हमें आगे बढ़ा रहा है। आप सभी को पता है कि ORP जो है इस समय PMR को बहुत दिक्कत हो रही है, तो प्री मैच्योर रिटायरमेंट जो कि सेना में तो इन्होंने भी काम किया है लेकिन ये अपने ऑन रिक्वेस्ट से वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेके या फिर बोला जाए तो प्री मैच्योर आ गए, कलर सभी नहीं कर पाए, तो ऐसा में इनका जो है ध्यान रखना चाहिए भूतपूर्व सैनिकों का और जितने भी हमारे ऐसे समाज सैनिक समाज में से जितने पेंशन धारक और पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिकों और तमाम मिलिट्री वेटरन्स को मेरा राम राम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देख सकते हैं इस पूरा मोहर के साथ इधर लग चुका है माजी सैनिक सेवा फाउंडेशन गुजरात स्टेट, यहाँ पे देख रहे हैं साइन और मोहर सब कुछ लग चुका है। तो ये देख रख रहे हैं यहाँ पे लास्ट में फिर इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप ऐसा अपना विड्रॉल MOD भी विड्रॉल इमीडिएटली एंड द